नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रेसिपी बताएंगे प्याज की मीठी चटनी कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। जी हाँ, ये प्याज कट रही है, महीन प्याज काटते रहेंगे। ये लगभग हमारी प्याज जो है कटने वाली है। जी बिल्कुल, प्याज हम छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट्स में काटेंगे। ये प्याज छिली हुई रखी है और इधर प्याज कट रही है हमारी, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज ऐसे महीन काटें जितने। और ये अब हम टमाटर भी काट लिए, टमाटर काट लीजिए आप जितना आप टमाटर डालना चाहते हो। ये लगभग प्याज के इक्वल टमाटर होने चाहिए, प्याज के डबल हो सकते हैं लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर से कम नहीं होने चाहिए। टमाटर सारे कट गए हैं, थोड़े से कम और काट लेते हैं हम, क्योंकि प्याज हमारी ज़्यादा थी तो टमाटर भी थोड़े से काट ही लेते हैं। थोड़ा आराम से काटिए, कभी हाथ वाथ ना कट जाए जल्दबाजी में। जी आप टमाटर काटते जाइए, टमाटर को भी महीन काटिए, क्योंकि अगर बड़ा टमाटर होगा तो थोड़ा पकने में टाइम लेगा और आपकी मीठी प्याज की चटनी को बिगाड़ देगा। जी बिल्कुल, आराम आराम से काटिए। आपके लगभग टमाटर सारे कट चुके हैं जितनी आपको ज़रूरत थी। क्यों कट गए ना? जी बिल्कुल, आराम आराम से काटिए। और कोई और अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, पर लेकिन ये सब आपको काम सावधानी साथ करना होगा। और प्याज काट लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि बिना तीखे की सब्जी और चटनी अच्छी नहीं लगती। जितनी आपको प्याज अच्छी लगती है, सॉरी मिर्ची जितनी अच्छी लगती है उतनी हरी मिर्ची काट लीजिए। आराम आराम से काटिए, छोटे छोटे पीसों में काटिए, क्योंकि पकने में कम टाइम लेती है ये। बिल्कुल, और आराम आराम से आप प्याज काटेंगे, प्याज उसके बाद टमाटर, उसके बाद मिर्ची। हरी मिर्ची बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हरी मिर्ची हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है, दिमाग बढ़ाती है ये, इससे दिमाग जल्दी चलता है। ये हमने हरी मिर्ची काट ली है यहाँ पे, और इन सब का जो मिक्स है वो एक अलग अलग तपेलों में भर लेंगे। बिल्कुल, और ये सारी मिर्ची हमारी कट चुकी है। आप भी अपनी उधर रेसिपी चालू रखिए। और इधर हमने भगोने में ऑयल डाल दिया है, ये ऑयल है जो आपको दिख रहा है येलो येलो कलर का, बिल्कुल ये ऑयल है। नीचे गैस चालू है, ऑयल गर्म हो रहा है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा पूरी तरफ से तो हम इसमें थोड़ा जीरा, तेज पत्ता वगैरह डाल देंगे पकने के लिए। तो अभी ऑयल जो है हमारा गर्म नहीं हुआ, जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अभी आप देखते रहिए, थोड़ा सा हमने इसमें जीरा डाल दिया क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो जीरा भुन गया है, जीरा भुन रहा है ना अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ी हम तेज पत्ते डाल दिए हमने, और ये लाल मिर्ची डाल दी, ये टेस्टिंग अच्छी देती है, अच्छी टेस्ट देती है इसलिए। और हमने प्याज का जो कटा हुआ पार्ट था हमारे पास, सारा प्याज इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको भूनेंगे, और अच्छे से भूनने के कम से कम इस प्याज को हम 1-30 मिनट के लिए कम से कम प्याज को रखेंगे, क्योंकि प्याज हमारे पास बहुत ज़्यादा थी इसलिए इसको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास प्याज थोड़ी कम है तो आप कम समय में काम कर सकते हैं। और हमने दूसरा पार्ट्स भी प्याज का डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। थोड़ी गैस थोड़ी लो गैस रखी है, क्योंकि अगर ज़्यादा गैस रखेंगे तो जल जाएगी, इसलिए हल्की गैस पर इसको बॉयल करना है, असली हल्की गैस पर इसको पकाते रहना है। बिल्कुल पकाते रहिए, और साथ ही में इसमें नमक डाल दीजिए इच्छा अनुसार, जितनी आपकी नमक खाने की तादाद है उतना नमक डाल दीजिए, और नमक से थोड़ा जल्दी बन जाता है। ये हमने ऑयल डाला है इसमें, तो थोड़ा हमें ऑयल कम लग रहा था, इसलिए आप पहले भी ऑयल फिक्स कर सकते हो कितना ऑयल डालना है। और इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी प्याज जल्दी बन जाएगी, क्योंकि जो नमक है प्याज को क्या है, किसी भी सब्जी को थोड़ा अच्छे से बनाता रहता है जी उसके लिए। और हमने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची को पका लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हल्की आँच देंगे, गैस को ऑन कर दीजिए, और ये लगभग भुनती ही जा रही है प्याज में, लगभग हमारी भुन गई है। जी बिल्कुल अच्छी आँच लगनी लगते लगते धीरे धीरे पक गई है प्याज हमारी। अब इसमें हम थोड़ा टमाटर डाल लेंगे, टमाटर डाल दिए हमने, ये टमाटर थोड़े कम डाले हमने, पूरा जितनी प्याज थी उतनी हम बराबर टमाटर भी डाल दिए। ठीक है, टमाटर डाल दीजिए, टमाटर को और प्याज को थोड़ा पकने दीजिए। अभी तक हमने नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ओनली नमक डाला है, थोड़ा जल्दी पक जाए इसलिए। अब इसमें हम थोड़ा मसाला वगैरह डालेंगे अभी इसमें। जी बिल्कुल, अब टमाटर हमारे क्या है बॉयल हो रहे हैं, पक रहे हैं, टमाटर मिर्च और प्याज का हमने मिश्रण बना लिया है, अच्छे से पक गया है ये। बिल्कुल थोड़ी आँच हल्की रखिए, अगर ज़्यादा आँच रखेंगे तो जल सकता है ये, दिक्कत हो जाएगी, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसे रखे रहने दो,
चलाते रह रहो, थोड़ा थोड़ा चलाते रहो, क्योंकि इससे थोड़ा जलेगा नहीं, नहीं तो कोई पार्ट जल जाएगा, कोई पकेगा पकेगा, कोई नहीं पकेगा बिल्कुल। और ये हमारे टमाटर भी लगभग पक ही गए हैं बिल्कुल, 2 मिनट का टाइम और लेंगे थोड़ा सा हम। इसके बाद इसमें हम नमक वगैरह डाल देंगे, नमक सॉरी हम डाल रहे हैं, मिर्ची है, धनिया है, ये आप सामान रख रखिए पास में रखिए, धनिया है, मिर्ची है, गरम मसाला है, ये हमने हल्दी डाल दी। हल्दी इच्छा अनुसार ही डालें, ज़्यादा कम ना करें, बाद में टेस्ट करने के बाद थोड़ी और डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हल्दी डाल देंगे थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाए, तो इच्छा अनुसार ही हल्दी डालें। जितने आप चटनी बनाना चाह रहे हैं, 2 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, ये सब्ज़ी कम से कम 60 लोगों के लिए बनाई जा रही है, इसलिए तो मैं थोड़े तादाद ज़्यादा डाल रहे हैं हम लोग। ये हमने लाल मिर्ची डाल दी इच्छा अनुसार, और ये धनिया डाल दिया, पिसे हुए सूखे धनिया हैं, ये धनिया डाल दिया, इन सब का मिश्रण हमने मिला दिया अच्छे से, अच्छे से मिलाते रहिए, चलाते रहिए, ठीक। जैसे अच्छे से मिल जाएगा उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, उतना ही अच्छा स्वाद देंगे ये बिल्कुल। मिला दिया आपने बिल्कुल, थोड़ी आँच थोड़ी हल्की कीजिए, और ये हमने पानी डाल दिया क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा गाढ़ा अच्छा भी नहीं लगता लगेगा, थोड़ा सा पानी मात्रा डालिए, लेकिन पानी आपको सबसे बाद में डालना जब पूरा लगभग पकने को तैयार हो जाए, ठीक है। ये हमारा लगभग बन गया था पूरा अच्छी तरह से, जब हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल बन गया अच्छी तरह से, और इसमें हमने थोड़ी चीनी डाल दें मीठा करने के लिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था हम मीठी प्याज वाली चटनी बना के आपको दिखाएं, ये हमने चीनी डाल दी, चाहे जितना आपको मीठा पसंद है उतना चीनी डाल दी। और अभी क्या, थोड़ी इसकी जो ग्रेवी अच्छे से बंध नहीं रही है, मिक्स नहीं हो रही, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें केचप डालेंगे, सॉस टमाटर का जो सॉस होता है वो इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे, इससे क्या है कि जो ग्रेवी है अच्छे से पक जाएगी बिल्कुल जी हाँ। हालांकि हमारी चटनी है अच्छी तरह से मिल चुकी है, बन चुकी है अच्छी तरह से बिल्कुल। थोड़ा केचप डाल दो इसमें, जिससे कि अच्छे से बन जाए, ठीक है। और केचप डालने के बाद थोड़ा और